हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, जहाँ पे सभी कुछ होता है, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, जो हमारे आसपास होता है वह हमारा एनवायरनमेंट है। तो आज इस विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आवर एनवायरनमेंट। द वर्ड एनवायरनमेंट has been derived from the French word environ, which means encircle and surround. Environment शब्द का उदय हुआ है फ्रेंच शब्द environ, जिसका मतलब होता है encircle and surround, मतलब जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ। Environment is the things that encircle or surround as अस, एयर, प्लांट, एनिमल इत्यादि। मतलब एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, जैसे हवा है, प्लांट, एनिमल, ऑन द अर्थ एज द होल, मतलब अर्थ में, पूरे अर्थ में जो हवा, एनिमल, प्लांट आदि सभी है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे थिंग्स है। दिस थिंग्स कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग, वह थिंग्स, वो जो वस्तुएं हैं, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों भी हो सकता है। सन, मून, स्टार्स, क्लाउड, एयर, माउंटेन, वाटर, सॉयल आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। सूरज, चंद्रमा, तारे, बादल, हवा, पहाड़, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स है। बिकॉज दीज आर फाउंड इन नेचर एंड आर नॉट मेड बाय मैन, यह सभी नेचर के द्वारा बनाया गया है और इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। मतलब ये जो हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, ये सभी है, ये नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। थिंग्स लाइक हाउस, रोड, फर्नीचर, प्लास्टिक, इटीसी आर ऑल मैन मेड थिंग्स। लेकिन वैसे थिंग्स जैसे घर, सड़क, फर्नीचर, प्लास्टिक, ये सब थिंग्स मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए, ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें सब कुछ है, एनिमल है, माउंटेन, क्लाउड, ट्री, घर, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में हैं। द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। पीपल, प्लांट एंड एनिमल मेक अप आवर एनवायरनमेंट। फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। मतलब हमारा जो स्वस्थ जीवन होता है, स्वस्थ जीवन हमारे मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे तो हमारा रहन सहन, हमारा हेल्थ भी, यानी कि अच्छे रहन सहन के कारण, हेल्दी रहन सहन हमारा रहेगा तो हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल अराउंड अस, बहुत सारे जो फालतू वस्तुएँ होता है हमारे चारों तरफ होते हैं। सम ऑफ द वेस्ट रोड्स एंड डिके बट सम डज नॉट, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, फालतू होते हैं, जो सड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सड़ते नहीं हैं, मतलब हजारों सालों से वैसे ही उसी रूप में पाए जाते हैं। वेस्ट दैट डज नॉट डिके पोल्यूट द अर्थ, और वैसे वस्तु जो नहीं सड़ते हैं वही अर्थ को दूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट बाय देयर एक्टिविटीज़, मतलब मनुष्य जनजाति, जो मानव जाति है, यह भी अपने रहन सहन से, अपने कार्य क्रियाकलाप से एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। दीज एक्टिविटीज हैव लेड टू पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, इनके कारण, इनके रहन सहन के कारण भी एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण पोल्यूट हो जाता है। जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उसको घर बनाने के लिए बढ़ती जनसंख्या के कारण अलग घर चाहते हैं, ये जंगलों की कटाई करके लोग घर बनाते हैं, तो पेड़ों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो जाता है।
पॉल्यूशन इज ऑफ फोर टाइप, चार तरह का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। अब सारे पॉल्यूशन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं, हवा दूषित, हवा हमारा हवा हाल कैसे दूषित होता है इस विषय में हम लोग जानते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव, सारे जो मानव जाति है, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं, उनको जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प ह्यूमन बींग्स टू कीप द एयर कूल एंड फ्रेश, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मनुष्यों को सहायता करते हैं जीवित रहने के लिए, क्योंकि वो हवा को कूल करते हैं और शुद्ध करते हैं। एयर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, सम ऑफ देम आर द फॉलोइंग, मतलब मनुष्यों की एक्टिविटी के कारण हवा भी पोल्यूट होता है, जिसके कारण हम लोग जैसे नीचे में पढ़ेंगे, देखिए जैसे स्मोक एमिशन बाय द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, वो जो फैक्ट्री के द्वारा या गाड़ी के द्वारा जो धुआं निकलता है उसके द्वारा हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल, त्यौहार में जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं, जैसे दीपावली या शादी ब्याह में हम लोग जो पटाखा छोड़ते हैं, और उसके द्वारा जो धुआँ निकलता है वो भी हमारे, वो भी पोल्यूशन को, एयर को पोल्यूट कर देता है। अदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलीज ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ गैरबेज। एयर पोल्यूशन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, प्रदूषित हवा के कारण जैसे दमा आदि बीमारी हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर प्लांट एंड एनिमल बोथ, तो प्रदूषित हवा जानवर और प्लांट दोनों के लिए हानिकारक होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन का मतलब होता है कैसे हम लोग का जमीन, धरती हम लोग का दूषित होता है, मिट्टी कैसे दूषित होता है, लैंड पॉल्यूशन, लैंड को कैसे पॉल्यूट किया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू द लिविंग बींग्स इज लैंड, लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो लैंड होता है, लैंड में क्रॉप अनाज उगाए जाते हैं, जो भी फसल हम लोग खाते हैं, जैसे जो अनाज सीरियल्स सब्जी फल फूल सभी लैंड में ही उगाए जाते हैं, और बिल्ड हाउस ऑफिस फैक्ट्रीज इटीसी, मतलब ऑफिस बनता है, घर बनाए जाते हैं, फैक्ट्री बनाए जाते हैं। लैंड गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब मनुष्यों के विभिन्न एक्टिविटी के कारण भी लैंड पोल्यूट होता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, उसमें से कुछ निम्नलिखित है, थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन, खुला में हम लोग जो अपने घर के गंदगी को फेंक देते हैं उससे हमारा लैंड पोल्यूट होता है। डंपिंग ऑफ कैंस प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स इन टू सॉयल, और मिट्टी में हम लोग केन प्लास्टिक या पॉलीथीन को फेंक देते हैं, उससे हमारा लैंड, हमारा सॉयल पोल्यूट हो जाता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय फार्मर, किसान आवश्यकता से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर जो खाद होता है, रासायनिक खाद यूज कर देते हैं। थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड प्लास्टिक बैग्स इन द ओपन, डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्रीज, मतलब प्लास्टिक बैग वगैरह, घर का जो प्लास्टिक बैग होता है उसको हम लोग खुला में फेंक देते हैं, ये फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको खुला में, रोड के किनारे बहुत सारा फेंका हुआ होता है, वो सब लैंड को पोल्यूट करता है। लैंड पोल्यूट होने के कारण पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, क्रॉप्स नहीं उगते हैं, तो क्रॉप्स लैंड ये सब नहीं उगेगा तो फिर हम लोग का जीवन परेशान हो जाएगा, हम लोग के खाने की कमी हो जाएगी। फिर थर्ड में हो जाएगा वाटर पोल्यूशन, पानी का जल प्रदूषण कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। लिविंग बींग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी जो सजीव जंतुएँ होते हैं, जीव वस्तु,
वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ नीडेड बाई वन एंड ऑल, मतलब हम सभी को एक अनेक सभी को पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए, खूब भोजन बनाने के लिए, नहाने के लिए, क्लीन इटीसी। वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावे पानी से बिजली भी बनाई जाता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, वाटर का मुख्य स्रोत क्या होता है, वर्षा होता है। वाटर पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम टूडे, आज जो वाटर पॉल्यूशन है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। सम एक्टिविटीज दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन आर इज फॉलोइंग, वाटर पॉल्यूशन का कुछ निम्नलिखित हम लोग देखेंगे क्या है। पहला, थ्रोइंग वेस्ट इंटू रिवर, हम लोग अपने कचरे को नदियों में डाल देते हैं, इससे नदी के पानी दूषित हो जाता है। बाथिंग वाशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज, जैसे नदियों तालाबों में हम लोग अपना कपड़ा धोते हैं, बर्तन धो लेते हैं लोग, तो वो उसके कारण भी नदियों का पानी, तालाबों का पानी, झील का पानी गंदा हो जाता है। फैक्ट्री का वेस्ट नदी में छोड़ देते हैं जिससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। यहाँ देखिए बर्तन धो रहे हैं लोग, कपड़ा धो रहे हैं, पशु को नहलाते हैं। बाथिंग एनिमल इन पॉन्ड्स लेक एंड रिवर, एनिमल को भी पॉन्ड्स लेक एंड रिवर में नहवाते हैं। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, जो कल कारखाने के जो वेस्ट होते हैं उसको पानी में नदियों में गिराते हैं जिसके कारण नदी का पानी दूषित होता है। डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, वाटर पोल्यूशन कॉज मेनी डिजीज, वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे बीमारी होते हैं। इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी टू मेनी फॉल इल, यदि हम लोग पोल्यूटेड वाटर दूषित पानी को पिएंगे तो बहुत सारे हम लोग को बीमारी होगी, जैसे डायरिया, डायबिटीज, हैजा आदि बीमारी हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन, Among the sound we hear only some are pleasant to our ear. तो जो हम लोग मतलब साउंड, among the sound we hear, जो हम लोग आवाज़ सुनते हैं वो मतलब हमारे कानों को शांति देता है, ज़्यादा मतलब धीमे आवाज़ में ही हमारे कान, साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू आवर अर्न इज कॉल्ड नॉइज, जो हमारे कान को बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब हमारे कान के पर्दे हिलने लगते हैं उसे आवाज़ से, उसको नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन देयर इज नॉइज इट इज़ कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, जहाँ पे जैसे जब नॉइज हल्ला गुल्ला होने लगता है तो उसको नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है। सम कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर एज फॉलोइंग, जैसे बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जब पटाखा होता है तो हम लोग, तो ये नॉइज पॉल्यूशन हो गया। इनडोर एक्टिविटीज लाइक लिसनिंग टू साउंड म्यूजिक एंड टेलीविज़न, मतलब घर के अंदर भी जब हम लोग तेज़ म्यूजिक में या टेलीविज़न देखते हैं तो ये भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। एक्सेसिव हंकिंग ऑफ व्हीकल, मतलब गाड़ी का भी व्हीकल का तेज़ साउंड बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो ये भी नॉइस पॉल्यूशन का उदाहरण है। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर का यूज़ करके भी नॉइज पॉल्यूशन किया जाता है। लाउड नॉइज हॉर्न आवर हार्म आवर ईयर एंड कैन डैमेज आवर हियरिंग, तेज ऊंची आवाज़ से हमारे कान का सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, हमारे कान के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, मतलब तेज आवाज़ से लोग बहरे भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट, हम अपने एनवायरमेंट को कैसे दूषित होने से बचा सकते हैं। Do not burn fire cracker during Diwali. दिवाली के समय ज़्यादा पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए। Avoid the use of plastic bag. प्लास्टिक बैग के यूज़ से बचना चाहिए, मतलब ज़्यादा प्लास्टिक के बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए। We should throw garbage in the dustbin. अपने जो हमारे घर के कचरे हैं हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। Use garbage to make manure फॉर प्लांट्स, जो गार्बेज होता है उसको एक जगह जमा करके रखने से वो क्या होता है कि प्लांट के लिए खाद बन जाता है। प्लांट मोर ट्रीज
purify the air. They also observe noise. देखिए यहाँ ट्री प्लांटेशन हो रहा है, छोटा सा पौधा लगाया जा रहा है. ये पब्लिक डस्टबिन है, तो अपने डस्टबिन को डस्टबिन में ही अपने कचरे को डालना चाहिए. CNG व्हीकल, यूज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इन व्हीकल. गेट व्हीकल चेक फॉर पॉल्यूशन, अपने व्हीकल को भी चेक करना चाहिए कि कहीं ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है. मेक लॉज विच स्टॉप इंडस्ट्रीज फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर और लेक. तो ऐसा कानून भी बन जाना चाहिए कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको नदियों में या झीलों में नहीं गिराना चाहिए, उस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए. डू नॉट लिसन टू और प्ले लाउड म्यूजिक, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाना नहीं सुनना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल, यूज़ हैंडकरचीफ व्हाइल कॉफिंग और स्नीजिंग, जब छींक या खांसी आए तो हैंड रुमाल का यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो छींक या खांसी के द्वारा प्रदूषण न फैले, दूसरे को दूसरे तक बीमारी पहुंचे नहीं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू सेव आवर इन्वायरमेंट. ये सारी एक्टिविटीज़ को अपना करके हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे लेट अस रिवाइज, क्या इस चैप्टर में पढ़ें. ये देखिए, आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं. देयर आर फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, चार तरह का पॉल्यूशन होता है. एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस. स्मोक, वेस्ट एंड लाउड नॉइस पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट. धुआं, इसके बाद गंदगी और ऊंची आवाज़ हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है. वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, थ्रोइंग वेस्ट इनटू डस्टबिन एंड सेइंग नो टू फायर क्रैकर एंड प्लास्टिक बैग. हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं कैसे, ज़्यादा पेड़ लगा करके अपने घर के जो कचरे होते हैं उसको डस्टबिन में डालेंगे, और ज़्यादा पटाखा छोड़ने से कम यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा पटाखा नहीं छोड़ेंगे, और प्लास्टिक का बैग का यूज़ नहीं करेंगे. इन सारे चीज़ों को अपना करके हम अपने इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचा सकते हैं. इसके बाद ये देखिए की वर्ड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का मतलब होता है थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ होते हैं वो इन्वायरमेंट है मेरा. पॉल्यूट, मेक डर्टी. पॉल्यूट मीन्स मेक डर्टी, जो गंदा करता है. स्पेशली वाटर एंड एयर. मॉडिफाइड का मतलब चेंज. एमिशन, प्रोड्यूसिंग आउट समथिंग. हंकिंग, मेकिंग लाउड साउंड. एंड प्योरीफाई टू क्लीन. अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं. फर्स्ट मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द ब्लैंक्स इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन. CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यूज ऑफ लाउड स्पीकर कॉज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. बैग्स हार्म द एनवायरमेंट, पॉलीथीन. फिर हो गया सेकेंड बी, फिल इन द ब्लैंक्स. स्मोक ऑफ व्हीकल्स इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पोल्यूशन. आवर इन्वायरमेंट हैज़ बिकम बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. आवर इन्वायरमेंट हैज़ बिकम पोल्यूट. क्या हो जाएगा, आवर इन्वायरमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. पॉल्यूट POLLUTE. ट्रीज प्योरीफाइड द एयर, पेड़ हवा को शुद्ध करता है. ब्लोइंग ऑफ हॉर्न
बाय व्हीकल कॉज नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को हम